हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 3 अगस्त की जो महत्वपूर्ण घटनाएं या तथ्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1108 में आज ही के दिन लुई सिस्टम फ्रांस के सम्राट बने थे। सन 1492 में आज ही के दिन यूरोपीय देश स्पेन से सभी यहूदियों को बाहर निकाल दिया गया था। सन 1492 में आज ही के दिन इटली का नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस 3 पोत के साथ स्पेन से भारत की खोज पर रवाना हुआ था। सन 1678 में आज ही के दिन रॉबर्ट लॉइस ले ने अमेरिका में पहले जहाज का निर्माण किया था। सन 1780 में आज ही के दिन मेहर फोफम के तहत कैप्टन ब्रूस ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया था। सन 1886 में आज ही के दिन हिंदी के विद्वान मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। सन 1900 में आज ही के दिन फर्स्ट वन टायर एंड रबर कंपनी की स्थापना हुई थी। सन 1914 में आज ही के दिन पहला समुद्री जहाज पनामा नहर से गुजरा था। सन 1925 में आज ही के दिन अमेरिका की अंतिम सैन्य टुकड़ी ने निकारागुआ छोड़ दिया था। सन 1957 में आज ही के दिन अब्दुल रहमान को मलेशिया का नया नेता चुन लिया गया और उसके नेतृत्व में ब्रिटेन से मलेशिया को आज़ादी मिली थी। सन 1960 में पश्चिम अमेरिकी देश नाइजर ने फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल की थी। सन 1985 में आज ही के दिन बाबा आमटे को जनसेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। सन 2000 में आज ही के दिन ब्रिटेन की क्वीन मदर द्वारा अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। सन 2001 में एनी हैथवे द्वारा अभिनीत द प्रिंसेस डायरीज पहली फिल्म जारी की गई थी। सन 2003 में आज ही के दिन अमेरिका के एंग्लिकन चर्च में एक समलैंगिक को बिशप बनाने का फैसला किया गया। न्यू हैम्पशायर के जेन रॉबिन्सन को एपिस्कोपल चर्च के हाउस ऑफ डेपुटीज ने भारी बहुमत से बिशप बनाया था, लेकिन इसका काफ़ी अधिक विरोध किया गया अमेरिका में। सन 2004 में आज ही के दिन अमेरिकी अंतरिक्षयान मैसेंजर बुध ग्रह के लिए रवाना हुआ था। सन 2006 में आज ही के दिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि वह भारत को यूरेनियम संवर्धन में सहायता नहीं देगा। सन 2007 में आज ही के दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुआ रूसी अंतरिक्ष यान प्रोग्रेस M61 सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में पहुंच गया था। सन 2007 में आज ही के दिन लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में एक ट्रेन दुर्घटना में करीब 100 लोगों की मौत हो गई थी। सन 2013 में आज ही के दिन 80 लोगों को इराक में एक विद्रोह में मारे गए थे। तो ये थी 3 अगस्त यानी कि आज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।